सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। जो खो गए उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। आज का पंचांग 16 जून 2022 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, सुबह 9:45 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 12:36 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 8:00 से 3:48 तक रहेगा, अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर शाम 5:55 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 16 जून 2022 दिन गुरुवार, किसी रिश्ते का अंत आपके जीवन में भावनात्मक घबराहट पैदा कर सकता है। अकेला रहना मुश्किल तो है किंतु यह आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। आत्मनिरीक्षण का यह चरण आपकी लंबी अवधि तक मदद करेगा, जिससे आपको धोखाधड़ी और छल से मुक्ति मिल सकती है। आज अपने आवेगों पर कम नियंत्रण होने के कारण आप उदास महसूस कर सकते हैं। आपको केवल अपने लिए कुछ समय चाहिए ताकि आप सोच सके और समस्याओं को हल कर सके। अपने पिछली सफलताओं को उपलब्धियों के बारे में विचार करें और इन समस्याओं से निकलने का रास्ता आप स्वयं ही बना लेंगी। मीडिया अथवा मित्रों द्वारा कई नई जानकारियां मिलेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल करना आपकी क्षमता पर आधारित है। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन भी संपन्न हो सकता है। हर एक काम में मेहनत करके जीवन में संतुलन बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। लोगों के द्वारा बोली गई बातों का विरोध करना फिलहाल संभव नहीं है। वक्त आने पर आप उनको जवाब दे पाएंगे। अभी के समय में अपनी कमजोरी का अंदाजा दूसरों को ना होने दें। नौकरी में बदलाव करने की इच्छा है तो प्रयास सफल नहीं होंगे, लेकिन जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहीं प्रगति मिल सकती है। परिवार के द्वारा सुझाया गया रिश्ता आपके लिए सही साबित होगा। सावधानियां, अपने सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि कभी कभी आपका शंकालु स्वभाव आपके लिए ही परेशानी उत्पन्न कर देता है। आज किसी भी प्रकार की चिंता को स्थगित रखना ही उचित है। दुर्घटना के भी योग बन रही हैं, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। सितारों के अनुसार आपके जीवन में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रिश्ते की संभावना है, जिससे आपकी लव लाइफ और भी रहस्यमय और रोमांचक हो जाएगी। याद रखें, आपका प्रेमी केवल आपसे प्यार और ध्यान की उम्मीद करता है। अपनी कोशिशों से आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। आप यह बात अच्छे से जानते हैं कि अपने साथी का हाथ थामकर सारा जहां जीत सकते हैं। आपकी भावनाएं आज आप पर हावी होगी, जिससे कुछ उदासी महसूस करेंगे। कुछ समय अपने और अपने साथी के बीच की गलतफहमियों को दूर करने में व्यतीत करें। यह समय मुश्किल जरूर है, किंतु समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बात करते हैं करियर की। किसी खास के अलगाव से आज आपका दिन निराशा भरा हो सकता है, किंतु आप जल्द ही इस परिस्थिति से उभर जाएंगे। विदेशियों से मुलाकात और व्यापार आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं। फालतू व्यय या सामान की खरीद से आज बचें। यह दिन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। आज आप जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों महसूस करेंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अपनी नीतियों और शोधों को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। नौकरी में किसी अप्रत्याशित घटना की संभावना है। मौके का फायदा उठाएं और एक समय में एक ही कार्य करें।
बिजनेस में अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखकर ही अपने कार्य संबंधित रणनीति तैयार करें। दूर दराज के क्षेत्रों में व्यवसायिक गतियां दोबारा शुरू हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। लापरवाही ना करें, गिरकर या वाहन से चोट लगने की आशंका है। बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। वातावरण में आ रहा बदलाव सेहत पर नकारात्मक प्रभाव कर सकता है। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।